वो औकात ही नहीं है टू फाइट विद सलमान खान और रेस। कैसे बनी ओ डॉगी भैया, कैसे बनी टाइगर ब्लॉग बस्टर के बाद टाइगर थ्री कैसे बनी। सुनो दोस्तों, एक चीज क्या हुई ना, कल मुझे मेरे जो सब्सक्राइबर उसमें से एक कमेंट दो तीन लोगों ने मुझे किया और कहा कि डॉगी नाम का कोई कुत्ता है वो जो है सलमान खान की जितनी भी फिल्में या पोस्टर आते हैं उनके खिलाफ बोलता है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, देखो मैं इकलौता एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो आपके हर सवाल का जवाब देता है, कोई नहीं देता होगा। पहली चीज मैं अपने सब्सक्राइबर को देता ही देता हूँ, जो थर्ड क्लास हेड फैलाने आते हैं मैं उनका भी जवाब देता हूँ, वो बेवकूफ को कहीं नहीं मिलता लेकिन मेरी तरफ से जवाब उनको जरूर मिलता है। तो उसमें से जो लोग मुझे कमेंट किसी वीडियो के लिए करते हैं मैं वीडियो को उनके मोहब्बत में प्यार बनाता हूँ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और ये हमेशा रहेगा, ठीक है। तो वो डॉगी भाई की बात कर रहा हूँ, इस डॉगी भाई की बात जब उन्होंने बोली तो मैंने उसकी वीडियो जाके मैंने चेकआउट की, तो मैंने देखा जब, तो मुझे याद आया कि जब मैं यूट्यूब पे आया तो मुझे साली भर हो रहे हैं उससे पहले, और शायद उसका भी यूट्यूब चैनल नहीं बना था उससे पहले, ये पहले और न्यूज वालों को एंकरों को ये अपना रिव्यू दिया करता था, तो शायद बाद में इसने चैनल खोल लिया। ये हमेशा तो पहली बात पी के टूने रहता है, कभी ये होश में रहता ही नहीं है, ये हमेशा पी के टूने रहता है, सांड जैसी शक्ल भालू जैसी शक्ल है, और ये जो भी बोलता है ना ये जानबूझ के ये वर्ड यूज करता है। देखो ट्रेंडिंग वन स्टार कौन है आपको पता है, ओनली वन सलमान खान, वैसा स्टार कोई नहीं है। रात रात पॉपुलर होना है तो आप सलमान भाई का नाम लो ऑटोमेटिक पॉपुलर हो जाओगे, समझ रहे हो। और एक बात इसने अपनी वीडियो में बार बार बोला, मैंने टाइगर देखी थी, मैंने टाइगर जिंदा देखी, मैं आधा उठ गया, मैं ये उठ गया, फिर टाइगर जिंदा आने वाली, इसको अभी ये भी पता नहीं कि टाइगर थ्री आ रही है कौन सी आ रही है, बार बार इस वीडियो में टाइगर जिंदा आ रही है फिर टाइगर थ्री, क्योंकि पिया हुआ है नशे में, समझ रहे हो। टाइगर जिंदा देखने गया, मैं उठ गया, एक तो उसको मेरी तरह इंग्लिश आती नहीं पूरी तरीके से, बार बार इंग्लिश की माँ बहन कर रहा था, लेट सी लेट सी, तो उसी हिसाब से मुझे समझ आता है डॉगी भाई कुत लेट सी, डॉगी भाई चुप लेट सी, डॉगी भाई लेट सी, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना आप बहुत समझदार लोग। तो इस भालू जैसी शक्ल वाले से मैं इतना कहूंगा, अबे तेरे जैसे, मैं बार बार वही चीज बोलता हूं, लेकिन सलमान खान के फैन की सबसे बड़ी गलती ये क्या है मालूम है, वो इन जैसे थर्ड क्लास इंसान को देखने चले जाते हैं। और मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर वो फैंस की बात कर रहा हूं जो अपने स्टार को मानते हैं जबरदस्त और वो दूसरे की वीडियो देखते हैं जहां पे हेट फैलाया जाता है, वैसे लोगों को वीडियो देखना छोड़ दो जो हेट फैलाते हो। देखो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, आमिर खान हो, ये वो स्टार हैं जो टॉप फाइव में हमेशा रहे हैं, 35 सालों से काम कर रहे हैं। अब मैं सलमान खान के लेकर अब शाहरुख खान को गिराऊं तो ये मैं गलत इंसान हूं, क्योंकि मैं रियल फैन सलमान का हो ही नहीं सकता। अगर सलमान फैन तो शाहरुख खान अगर यहां पर हैं तो शाहरुख खान की भी डेडिकेशन और उनकी मेहनत है। याद है बिग बॉस शो पे इमाम सिद्दीकी ने शाहरुख खान को लेकर कुछ बोला था, जिसपे बोला था शाहरुख खान को मैंने ये किया, शाहरुख खान को मैंने वो किया, उस टाइम सलमान खान शाहरुख खान से बातचीत नहीं थी, लेकिन शाहरुख खान इमाम सिद्दीकी को बोला कि तुमने शाहरुख खान को बनाया, तो कहे नहीं नहीं, कहे शाहरुख खान की मेहनत, शाहरुख खान की लगन, शाहरुख खान की डेडिकेशन है, शाहरुख खान बनाया है, तुम बता रहे शाहरुख खान के बारे में। तो ये बात सुनकर जितनी ऑडियंस बिग बॉस में बैठी ताली मार रही थी, सलमान खान ने वहां शाहरुख खान की तारीफ की कि शाहरुख खान जो आज कुछ है अपनी मेहनत से अपनी लगन से है, तो आप उनको नहीं गिरा सकते। तो सलमान खान ने हमेशा ये कहा है कि आप किसी को गिराइए मत, एक्टर चाहे अक्षय हो, चाहे अजय हो, चाहे आमिर हो, चाहे शाहरुख भाई कोई भी हो, मैंने कहा ये आज तक सबके दिल में जगह इसलिए बना पाए, इन्होंने प्यार बांटा है, तो आप फैंस होकर एक दूसरे के गिराते क्यों हो, आप भी प्यार बांटो ना यार, इसकी फिल्म भी हिट हो, उसकी फिल्म भी हिट हो। हाँ एक फैंस के हिसाब से मैंने बाप ऑफ लेवल ये बोल दिया अपने तरीके से, लेकिन किसी को गिरा के नहीं बोलना चाहिए कि नहीं ये थर्ड क्लास है। अरे थर्ड क्लास है, 35 साल से वो भी काम कर रहा है, इस एज में काम कर रहा है जहां हम आप बैठ के बकवास कर रहे हैं, वो इस एज में भी जबरदस्त काम कर रहा है, आप उसको जज कैसे कर सकते हो, उसके बारे में निगेटिव कैसे बता सकते हो। तो ये थर्ड क्लास का जो ढक्कन आदमी है डॉगी, ये वही इंसान है, इसको कुछ इसको इसकी शक्ल कोई देखना चाहेगा नहीं देखना चाहेगा, थूकना चाहेगा नहीं चाहेगा, लेकिन नाम किसका ले लिया, नाम ले लिया मेगा स्टार का तो जाहिर सी बात है देखेगा। तो सलमान खान ने इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप पेपर पे आपका नहीं बिक रहा है तो सलमान खान के बारे में छाप दो कुछ ना कुछ, पेपर बिक जाएगा, ये सलमान खान ने इंटरव्यू आज तक पे कहा था। डॉगी तुझे एक चीज बता दो, जो लेट्स सी यार बात कहता है, इंग्लिश नहीं आया तुम मत झड़ा कर, ठीक है, और उल्लू जैसी शक्ल वाली एक चीज बताऊं, तू देख चाहे ना देख, तेरे देखने से घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ में आया। मैं तो तुझे देखता नहीं लेकिन मेरे लोग बोलते हैं, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर से बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं हूं, और सारे सब्सक्राइबर को आई लव यू यार, मैं सबका नाम लेना चाहता था लेकिन अभी इस वक्त जो है थोड़ा बहुत जल्दी में हूं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं सलमान खान के लिए स्पेशली, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, समझा। तेरे जैसे कितने आए और गए बे, तू किस खेत की मूली है बे, किस खेत की मूली काला सांप। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो कर लेना, और शेयर करना यार, प्यार दो यार, जब प्यार दोगे ना तो मेरे अंदर और जबरदस्त कलाकार अंदर से निकलेगा कि यार इतना लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, वरना यार फीलिंग जब सैड हो जाती है ना तो यार छोड़ो यार, कोई देखता ही नहीं है, ऐसा आता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।